अब यहाँ पे क्या है ना, महिंद्रा में मैंने कॉल किया था और आपको कॉल करके ना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अब मेरी गाड़ी में भी इशू आ रहा है, तो भैया कह रहे हैं मैं उसका देख के बताता हूँ। जो इसका ट्रिप है, ट्रिप बी वाला इशू है ना भाई, वो तो सॉल्व हुआ नहीं है भाई। इसका टुकड़ा अंदर चला गया डिक्की का भाई, फाइबर की डिक्की में ये होता है। देखो अब यार, बंदा तुमने पूरा टाइम लगाया, उसके बाद बंदा तुम्हारे पास दोबारा अपना टाइम लगा रहा है, तो दैट इज नॉट गुड ना। लेकिन भाई उस पार्ट का क्या फायदा अगर शोरूम वाले को वो पार्ट लगाना ही नहीं आता। आपका स्क्रैच भी आएगा दरवाजे पे 101% आएगा, और क्या कहते हैं, आपके विंडो ग्लास टूटने के भी चांसेस हैं। तो फिर तो सही है जो लोग बाहर से करवाते हैं सब कुछ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, और मैं तुम्हारे जी के भाई आ गया एक नई वीडियो लेके। टाइटल देख के समझ तो आ ही रहा होगा कि भाई आज जो है ना, अपनी गाड़ी के किलोमीटर जो है ये हो चुके हैं पूरे 1544, यानी कि 1544। अच्छा 15, यानी कि 1550 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 800-900 पे थी और ये 1500 कैसे हो गई। तो यार मेरा ना एक ट्रिप लगा था, छोटा सा ट्रिप, क्या मतलब वो हरिद्वार तक गया था, और उसका व्लॉग वगैरह इसीलिए नहीं है बिकॉज मैं खुशी के काम में नहीं गया था, क्योंकि मैं खुशी के काम में नहीं गया था तो इसीलिए उसका कुछ कंटेंट नहीं है। तो वहां आने जाने में मेरी गाड़ी कवर हो गई। हाँ, अब इस चीज को एवरेज को लेके बहुत लोगों का क्वेश्चन था ना। पहली बात ये बता दूं कि मैं एक ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, होपफुली 4 से 5 दिन में वो फाइनल हो जाएगा, और 4 से 6 उसके अगले दिन ही शायद हम ट्रिप भी नेक्स्ट वीकेंड पे चले जाएंगे, तो एवरेज वगैरह मिल जाएगी आपको लाइव। प्लस लॉन्ग रूट पे 550 किलोमीटर के ऊपर मेरे को जो एवरेज मिली है ना भाई, मेरे को एवरेज मिली है 14.5 किलोमीटर की, 14.5 की एवरेज निकाली है मैंने पेट्रोल मैनुअल में। तो भाई जो एवरेज के लिए जो इतना लोग कह रहे थे ना भाई, इसकी एवरेज आई है 14, 14.5, और मैंने क्रूज करा है 90-95 पे, मेरे को भाई इतनी गजब एवरेज मिली है। जबकि मैंने ये एवरेज, मैं जो इस पे आ रही है सिर्फ उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एवरेज जो मैंने कैलकुलेट करके पेट्रोल के हिसाब से भी निकाली है ना, मैं उसके हिसाब से भी बता रहा हूँ। तो भाई एवरेज बहुत अच्छी है। हाँ, अब अगर आप ओवर रेव करके गाड़ी को 100 से ऊपर चलाओगे तो एवरेज जरूर गिरेगी, आप 90 के आसपास गाड़ी चलाएंगे तो आपको एवरेज जरूर मिलेगी। तो इसीलिए अब अपना ट्रिप होने वाला है, तो इसीलिए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक इसकी अच्छी सी सर्विस हो जाए, क्योंकि 1000 किलोमीटर से ऊपर भी हो चुके हैं और ट्रिप से पहले सर्विस हो जाएगी तो सही रहेगा। अब यहाँ से सीधा शोरूम जा रहे हैं। महिंद्रा का यार एक और सीन है, जैसे मारुति में क्या होता था ना कि कभी भी जाओ सर्विस के लिए, वहां पे बोलो सर्विस करानी है, दैट्स इट, आपकी सर्विस हो जाएगी गाड़ी की। अब यहाँ पे क्या है ना, महिंद्रा में मैंने कॉल किया था और आपको कॉल करके ना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा, आप भी महिंद्रा लेने वाले हो तो ये बात ध्यान रखना, आपको कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मारुति में ऐसा कुछ नहीं था, मैं जैसे पहले मारुति में सर्विस कराता था तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप जाओ एंड कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बिकॉज शायद इनकी ना पर डे की कार्स वगैरह कुछ फिक्स रहती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था, जिस दिन मैं हरिद्वार से आ गया था सेम डे ले लिया था मैंने। भाई अंदर बाईपास की हालत इतनी खराब है ना, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके यहाँ पे आके बाउंड करी है जब मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ। तो अब एक और मेजर बात है भाई जो मेरे को कहनी थी, कि मैं इस गाड़ी का ना एक नाम रखना है, तो कुछ 3-4 ऑप्शंस मैंने सोच के रखे हैं, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि यार आप लोगों के माइंड में अगर कुछ ऐसा नाम वगैरह कुछ आता है ना तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसमें से फिर हम एक नाम चूज कर लेंगे और इस गाड़ी का एक प्यारा सा नाम रखते हैं। तो जो भी माइंड में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनको पढ़ूंगा, एंड रिप्लाई बैक तो मैं करता ही हूँ, सबको पता ही है। कभी कुछ पे रह जाते हैं तो रह जाते हैं, बट मैं मोस्टली रिप्लाई बैक जरूर करता हूँ। बाकी गाड़ी को लेकर कोई डाउट हो तो मेरे पास कई सब्सक्राइबर्स के, कई फ्रेंड्स के भाई कॉल भी आते हैं, मैं सबको कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई बैक कर पाऊँ। तो अब फाइनली पहुँच गए हैं महिंद्रा, बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं पर हम तो भैया सीधा लेके जाएंगे गाड़ी कहाँ, अंदर। चलो जी, हाँ जी अंकल नमस्ते। हाँ जी, ओके। तो अब जरा यहाँ से चलते हैं और शोरूम पे देखते हैं क्या इनका प्रोसीजर है सर्विस का। हैंडब्रेक लगा दिए, लाल रंग की एक्सयूवी जो है ना भैया, ये लोग फोटोज वगैरह हर जगह लेते हैं कि गाड़ी पे कोई स्क्रैच, कोई मीटर कितने पे चली हुई है, ताकि बाद में प्रूफ रहे। तो वो सब है। एक मुझे एक चीज़ इनको मेजर बतानी है, इसका ट्रिप है, ट्रिप भी मेरा भी गड़बड़ करना शुरू कर गया यार, बहुत बड़ा इशू हो गया, तो मेरे को भी कराना पड़ेगा ये। गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है भाई, ये जा रही है अपना सीधा सर्विस में।
मेरा भी ट्रिप ट्रिप भी का इशू शुरू हो गया है। भाई अब सीन ये है ना, इन्होंने पहली सर्विस कर दी आधे घंटे के अंदर, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, फ्लूइड वाइपर लाइटें वाइटें सब कुछ चेक कर लिया है, ब्रेक वगैरह सीखे सब कुछ फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे पहली सर्विस में ना यही होता है। एक इंजन ऑयल था जिसका मुझे डाउट था, मैंने खुद देखा है इंजन ऑयल में कोई इशू नहीं, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंजन ऑयल पड़ा है येलो कलर का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड जो ट्रिपे ट्रिपी वाला इशू है उसकी थोड़ी बात चल रही है, क्योंकि वो रीसेट हो रहा है तो मेरी गाड़ी में भी इशू आ रहा है, तो भैया कह रहे हैं मैं उसका देख के बताता हूँ। क्लीनिंग और वॉशिंग रह गई है, अब देखते हैं उसका क्या कितनी देर में होता है, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बाकी ऐसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने पूरा खोल के अच्छे से चेक कर लिया लाइटें वगैरह सब कुछ। तो फर्स्ट सर्विस में इतना ही होता है। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है ना, ये गाड़ी निकलने का बताता हूँ, क्योंकि ये लोग अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। भाई गाड़ी ना सर्विस वाले से तो बाहर निकाल दी है और गाड़ी गंदी बहुत हो रही है, तो अब जो है गाड़ी वॉशिंग में जाएगी। ये देख रहे हो साइड से, देखो दूर से वाइट में पता नहीं लगता, ये देखो साइड से अब दिख रहा होगा गाड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी। अब जो इसका ट्रिप ए ट्रिप बी वाला इशू है ना भाई, वो तो सॉल्व हुआ नहीं। और भाई अभी पता क्या हो रहा था, इसके अगले टायर ना भाई अंदर स्टोन लग रहा था भाई, उस पर उसने मोड़ा, अजीब इतनी आवाज़ आने लगी, मेरी पट गई। मैं कहा भाई ये कैसी आवाज़ आ रही है, खतरनाक सी। अब ये वॉशिंग पे आगे ट्रक खड़ा है, ये ट्रक हटेगा तो अपनी गाड़ी वॉशिंग में जाएगी। ट्रिप ए ट्रिप बी का उन्होंने अभी फोटो ले लिया है, कह रहे हैं ऑब्जर्व करो और बाकी कल बताएंगे। ऑब्जर्व क्या, मेरे को तो पता ही है दिक्कत आ रही है। भाई देखो यहाँ पे ना एक एक्सीवी 700 खड़ी है, ये भाई इसका टुकड़ा अंदर चला गया डिक्की का, पता नहीं किस हिसाब से खड़ा है, शोरूम में खड़ी हुई भाई के टुकड़ा का पूरा अंदर चला गया इसका, पता नहीं कैसे टुकी है, ये टुकड़ा टूट के अंदर चला गया है प्लास्टिक। अच्छा भाई फाइबर की डिक्की है, जीने मुक्का मार दिया है। भाई ये देखो 1700 की फाइबर की डिक्की है, मुझे अभी से दोबारा ध्यान आया, भाई फाइबर की डिक्की में ये होता है, देखो 1700 की फाइबर की डिक्की ये होता है, टुकेगी अंदर और ले लो फाइबर। वॉशिंग के टाइम पे वीडियो अलाउ नहीं करते भाई ये लोग, ये तो गलत बात है, करनी चाहिए भाई, अपनी गाड़ी का तो बना सकते हैं यार हम लोग। तो भाई ना मैं महिंद्रा से बाहर निकल रहा हूँ, यूनाइटेड महिंद्रा से, और फर्स्ट सर्विस हो गई है। अब सब वेट कर रहे हो कि भैया एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा। यार देखो अगर मैं सर्विसिंग की बात करूँ ना, कि गाड़ी में काम जो हुआ है, देखो गाड़ी में फर्स्ट सर्विस में काम तो कुछ होता नहीं है, तो उस हिसाब से तो उन्होंने क्या ही किया, मतलब चेक सब कुछ कर लिया भाई साहब ऑटो वाला ना, तो उन्होंने चेक सब कुछ कर लिया, गाड़ी में सब कुछ सही है। मेरे से पूछा सर कोई कंप्लेन है तो बताओ, कोई दिक्कत है, एक ही दिक्कत थी, मेरा ट्रिप और ट्रिप भी रीसेट हो रहा है, जो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने देखा अच्छा ये दिक्कत है, हम नोट कर लेते हैं, अब घर पे जाके वीडियो बना के भेजना, आज जितनी है वो कल सुबह जीरो होती है नहीं होती है, जो कि अभी सॉल्व नहीं हुआ उसकी वीडियो बना के भेजेंगे। आ रहा है वो तो पता ही आ रहा है, सबको पता है आ रहा है। मैंने उन्हें कहा बहुत गाड़ियों में आ रहा है, कहते नहीं नहीं सर आपका पहला इशू है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, बहुत गाड़ियों में आ रहा है। आफ्टर दैट वॉशिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो यार वॉशिंग में मज़ा नहीं है, मुझे वॉशिंग में मज़ा नहीं आया, मेरे को इतनी सारी उसमें दिक्कतें थी वॉशिंग में, मैंने पूरा दोबारा ही, ये मान लो मेरे को सर पे बैठ के ना पूरा दोबारा एक क्लीनिंग करानी पड़ेगी, यार यहाँ देखो ये गंदा है वो गंदा है। अब यार बंदा तुमने पूरा टाइम लगाया, उसके बाद बंदा तुम्हारे पास दोबारा अपना टाइम लगा रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड ना। अब वहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, कहीं पे पॉलिश हो रही है, पॉलिश तो बहुत ही रद्दी है इनकी जो भी है। और बाकी जहाँ तक बिल विल की बात करो, तो बिल तो कुछ जीरो ही आया, बिकॉज फर्स्ट सर्विस थी तो इसका बिल तो कुछ बनता है नहीं। एक और चीज़ थी भाई, जो स्कॉर्पियो एन में साइड में जी सिंग लगता है ना, विंडो लाइन जो विंडोज में ऐसे सिल्वर चलता है आगे दोनों शीशों में, फिर पीछे ऐसे जी सिंग बन जाता है। अब यार उसके साथ दिक्कत क्या हो रही है ना, वो पार्ट शोरूम के पास आ चुका है, लेकिन भाई उस पार्ट का क्या फ़ायदा अगर शोरूम वाले को वो पार्ट लगाना ही नहीं आता, हवा भी चेक नहीं करी उसने। हाँ वो भी नहीं, हवा बोला था भाई चेक कर दे, वो भी नहीं करी। तो यार ये चीज़ें ना एक बार बोल दो यार हो जानी चाहिए, हम दो दो तीन तीन बार बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करके भाई तो भी नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे एक फ्लॉ लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए आफ्टर सेल सर्विस में ना। अब उसके बाद जो उनके पास जी सिंह वाला पार्ट आ गया ठीक है, वो 6000 के आसपास का कुछ है ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं सर इसमें ना पीछे थर्ड विंडो का तो पेस्टिंग वाला है ठीक है, आगे दोनों दरवाजों का ना बोल्ट से जो ये ब्लैक वाला लगा हुआ है इसमें दो बोल्ट हैं, ये खुलेगा और वो लग जाएगा, लेकिन जो बीच वाला दरवाजा है ना कह रहे इसमें दो बोल्ट के अलावा ना बीच में एक लॉक है, वो लॉक हमें खोलना नहीं आता, उस लॉक के लिए हम पेचकस से ज़बरदस्ती वगैरह करते हैं, और उसके बाद ना आपका स्क्रैच भी आएगा दरवाजे पे 101% आएगा, और क्या कहते हैं आपके विंडो ग्लास टूटने के भी चांसेस हैं। अरे यार अब ऐसे थोड़ी होता है, विंडो ग्लास टूटने के चांसेस हैं, अब अगर इतने ही चांस है तो भाई इतना बड़ा शोरूम सर्विस सेंटर क्यों है, या तो बोलो कि यार अभी कैसे लगाना है वो समझ नहीं है, बिकॉज लोग लगवा रहे हैं बाहर, लग रहा है
और शोरूम पे उनसे नहीं लग रहा है तो फिर यार ये बात तो कुछ हजम होने वाली बनती नहीं है। तो ये शोरूम पे तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि भैया इतना सब कुछ करा करो के और जो मेन पार्ट शोरूम से एक्सेसरीज बंदा ले रहा है आप लोगों को वही ढंग से लगानी नहीं आती, तो मैं इस चीज से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कि यहाँ पे मुझे थोड़ा फ्लो लगता है कि काम करना चाहिए। महिंद्रा लगा रहा है तो वो भी तो लगा रहा है ना, कोई पार्ट एक्सीडेंटल होता है, कुछ होता है तो आप रिप्लेस करते हो, तो आप ये थोड़ी कहते हो सर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल आई है ठीक है लेकिन हम इसको रिपेयर करेंगे ना, इसकी रिपेयरिंग में हम जो हथौड़ा चलाएंगे सब कुछ चलाएंगे उसके स्क्रैचेस आएंगे। अरे नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैं बोल रहा हूँ यार ये मेरी गाड़ी में पार्ट है इसे एक्सेसरीज लगा दो, कह रहे सर लगा देंगे लेकिन ना इसमें स्क्रैच आएंगे। अरे यार ये ऐसे थोड़ी होता है स्क्रैच आएंगे। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्या कहूँ, मुझे लगानी नहीं आ रही या जो भी सिस्टम है, पर ऐसे नहीं, अगर आपको नहीं लगानी आ रही है तो आप इसका डेमो लें कंपनी से, महिंद्रा देगा या जो भी इनका मेन डीलर्स हैं जैसे, तो इनका जो भी मेन हेड ब्रांच होगा तो वो लोग देंगे आपको कि भैया किस तरीके से लगानी है ये। आप डायरेक्ट कस्टमर्स को तो ऐसे नहीं बोले ना कि भाई हम लगा देंगे सर लेकिन स्क्रैच आएगा, आपकी जिम्मेदारी पे लगा देंगे, प्लस शीशा भी टूट सकता है। अच्छा चलो स्क्रैच हल्का सा आएगा ठीक है, कह रहे प्लस सर शीशा भी टूट सकता है। अरे यार अब शीशा क्यों टूटेगा गाड़ी का, ऐसे थोड़ी आप कुछ भी लगवाओगे शीशा टूट जाएगा गाड़ी का। अब मैं बाहर से देखूंगा और अगर बाहर से मैं पता करूंगा, है कुछ लोग अगर बाहर से अच्छा लगा ना और लोगों ने कहा कि ठीक है भाई हम लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भाई फिर हो जाएगा, फिर तो आर पार हो जाएगा सिस्टम की भैया ये क्या हुआ, बाहर वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर तो सही है। जो लोग बाहर से करवाते हैं सब कुछ, तुम लोग बाहर से करवाने पे वारंटी भी काट दो और हम लोग बाहर से कुछ कराए भी नहीं और तुमसे करा रहे, तुम कह रहे हो सर शीशा टूट जाएगा स्क्रैच आ जाएगा, तो भैया कोई क्यों कराएगा तुमसे, सोच के देखो। कल को ऐसे हेडलाइट लगे, वो फॉग लैंप या हेडलाइट कोई लगवाए तो कह देंगे भैया आपके बम्पर खोलेंगे इसमें जी स्क्रैच आ सकता है। अरे बाहर वाले भी तो कर रहे हैं, पता चले बम्पर खोलते टाइम कह रहे हैं जी हम खोल तो देंगे पर इसके लॉक टूट जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम काम कर रहे हो तो भाई तुम्हें प्रॉपर वे पता है। अब चलो कोई इंसान बोल दे कि भाई चल थोड़ा बहुत स्क्रैच आएगा तो कोशिश करिए ना लगे, अब इससे होगा क्या ना कि जो बंदा काम कर रहा है वो कहेगा यार ये कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, फ्री हैंड चलाओ इस पे काम, कि भैया खुला हाथ चलाओ, लग गया तो लग गया, कस्टमर ने तो मान ही गया है कि भैया ठीक है मेरी जिम्मेदारी है। तो यार ऐसे नहीं होता, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो भाई कुछ करना पड़ेगा, बाहर से पता करते हैं। और हाँ एक और चीज़, मैंने ट्रिप प्लान कर लिया भाई स्कॉर्पियन के साथ, अब वो ट्रिप आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिख जाएगी होपफुली। ये ब्लॉग आप देख रहे हो शायद आज मंडे है एंड इसी वीक में वीकेंड में मेरा ट्रिप शुरू हो रहा है, 5 दिन का ट्रिप है हिमाचल का। अब वो कहाँ कहाँ होता है कैसा होता है ना ये आपको अगले वीडियोस और अगले ब्लॉग्स में पता लगता रहेगा, तो स्टे ट्यून्ड। और ये जो फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस रहा है तो यार देखो सर्विस से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ खराब कर दिया नहीं डाला, एक इशू था वो कह रहे हैं उसकी वीडियो बनेगी, बाकी सब कुछ चेक करना था तो सब कुछ गाड़ी में सही चल रहा है भगवान की दुआ से। और वॉशिंग में मेरे को मज़ा नहीं आया, मैंने बताया मेरे को सर पे बैठ के चीज़ें करानी पड़ी उसके बाद ठीक हुई हैं। जो मैंने एक्सेसरीज डलवाई उसमें कह रहे हैं शीशा टूट जाएगा स्क्रैच आ जाएगा, तो भैया मैं फिर क्यों ही डलवाऊंगा, मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ भाई, मैं बाहर से देखूंगा ना फिर कुछ, मैं इतना रिस्क क्यों लूँगा भाई। तो ये चीज़ यार इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या तो कि भैया ऐसे नहीं होता है, आप चीज़ें ले रहे हैं लगा रहे हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए कि भैया कैसे लगती हैं वो। तो ये है, बाकी आप भी अगर अपनी सर्विस कोई भी गाड़ी लेके जाते हैं तो भाई उनसे अगर वो बोले यार स्क्रैच आएगा तो यार आप एक्सेप्ट मत करो कि यार क्यों आएगा, तुम्हारे पार्ट्स हैं, तुम खरीद के ला रहे हो, तुम लगा रहे हो, मैं तो अपनी तरफ से पार्ट लाया नहीं हूँ कि भैया मेरा पार्ट है लगा दो। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को वो लगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट में जरूर बताना ये जो भी आपको सुन के लग रहा है। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई स्टे विद योर फैमिली, बी विद योर फैमिली एंड पीस।